गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। और अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के साथ साथ कुछ चेंजेस करें अपनी लाइफ में, जैसे कि सुबह जिम जाना, क्योंकि शाम को अब से दुकान में बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा पूरा। और बाकी चलिए जिम पहुंचते हैं, जिम के साथ देखते हैं माहौल क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं। शायद सारे गुस्सा भी हो, खासकर पाजी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत कह सकते हैं 2 महीना हो गया पूरा कि हमने प्रॉपर जिम नहीं किया है। तो चलिए जिम चलते हैं और बदलते हैं अपने लुक को, जो कि थोड़ा सा ख़राब कर लिया हमने, पर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, ये इसको भी अपडेट कर देंगे। लो जी, अभी जिम में आते ही हमें मिलके 2 आर्म रेसलर, बहुत ही तगड़े लड़के हैं, पूरी मेहनत है, बहुत ही सही चल रहा है। अभी सुबह आ रहे हो तुम भाई? हाँ जी, सुबह आ रहे हैं भाई। चलो बढ़िया बढ़िया यार, खींच के रखो भाई। सुबह आ रहे हो? मैं अब देखता हूँ सुबह आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि शाम को ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाऊँगा। ओके ओके भाई, ओके ओके। रिएक्शन देखते हैं थोड़ा सा, कैसा गुस्सा दिखाते हैं सारे। कैसे हो पाजी? मेरे को लगा आते ही पिटाई होगी पहले। बढ़िया भाई, थैंक यू भाई। ओ भाई भाई भाई, भाई लुक ही चेंज कर दिया पूरा है, फुली स्मार्ट। क्या हाल चाल? चलो अभी ज्यादा बात ना करके जिम करते हैं, उसके बाद एक क्लोजअप देंगे अच्छा खासा। चलिए मिलते हैं आपको जिम के बाद। तो यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज मिक्स लगाया, पहले लगाया चेस्ट के 3 एक्सरसाइज लगाई, उसके बाद लगाया ट्राइसेप, और उसके बाद लगाया हमने बैक। और इसी के साथ देखो, सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट करना चाहता हूँ कि हमारे इस एरिया में काफ़ी लड़के हैं जिनकी सैलरी शायद 20K से नीचे हो, या फिर हो सकता है 25K से नीचे हो। तो वो लोग सोचते हैं कि हम अच्छा जिम में जाएंगे, अच्छी सप्लीमेंट्स लेंगे, पर उससे पहले चीज़ तुम्हें अपना बेस बनाना ज़रूरी है। और हमारा जो बेस बनता है वो इस जिम से बनता है, और ये हमारे गुरुजी हैं, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली आज 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, और मेरे को बीच बीच में रेस्ट पे जाना पड़ता है थोड़ा बहुत, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमने अपना एक जो प्लान्स है, अपना जो एक बैकअप बना रखा है कि हमें पता है हम कितना कमा रहे हैं या फिर कितना खर्च सकते हैं, उस हिसाब से ये जो DS मोटिवेशनल जिम है, यहाँ पर अगर तुम आते हो तो तुम्हें इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, तुम्हें फाइनेंशियली कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसों के लिए कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे जैसे यूथ है, हमारे को बहुत ईजी है यहाँ पर ग्रो करने के लिए। कभी भी किसी भी बड़े जिम को देख के अगर तुम जाते हो तो ये सोच के जाओ कि हाँ तुम उसमें कितना टाइम रह सकते हो। अब हमारे को है ना भाई, यहाँ पर 3 साल से ज़्यादा हो गया, कभी भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं आई है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि यहाँ पर फीस जो है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। अगर तुम्हारे को घर से पॉकेट मनी भी मिलती है ना, तो तुम उस बेसिस पे भी यहाँ पे जिम कर सकते हो। और सप्लीमेंट बस ये याद रखो, सबसे पहले जो आपकी डाइट होती है वो शुरू होती है यहाँ पे किचन से। अगर आप वहाँ पे परफेक्ट हो तो आप यहाँ पे अच्छा करोगे। तो देखो यार, 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में मैंने कुछ सप्लीमेंट, 6 से 7-8 महीने हो गए होंगे शायद कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, पर अभी भी देखो ये है, ये यहाँ की मेहनत है, रॉ वेट जिसको कहते हैं, लोहे का वेट, ये इसका फायदा ही है। तो और कुछ नहीं, इतना ही बताना चाहूँगा, बाकी थैंक यू पाजी हर बार साथ देने के लिए ऑलवेज। और भाई आज से डेली रूटीन, सुबह का जूस, पहले ड्राई फ्रूट्स के बाद राजू भाई के साथ। राजू भाई कैसे हो? ठीक है जी। बढ़िया, बहुत ही अच्छा जूस बनाता है भाई साई माजरा में, यहाँ पे साफ़ सफाई पूरी रखता है। जूस पीने का एक फ़ायदा है, इसमें अच्छा खासा फाइबर मिल जाता है, खासकर मौसम्बी, और पेट को भी अच्छा खासा साफ रखता है, तो डबल फ़ायदा है। तो जूस ज़रूर ऐड करो अगर आप घर के मील पर चल रहे हो, सुबह मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद अगर सुबह का जिम करते हो तो उसके बाद जूस, और हल्का फुल्का कुछ खाना उसके बाद। एक जूस अपने लिए, एक मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी के अभी सेल डाउन है, तो उनको भी अब डेली रूटीन के साथ जूस पिलाना है। मेरा रेडी हो रहा है हा? पैसे ज़्यादा लगेंगे तो चीज़ भी अच्छी होगी। है ये बात है ना, तो चक्कर तो नहीं, वीडियो बना रहा हूँ आपका। शकल तो नहीं ले रहे? ना ना, शकल ले लिया यार, स्मार्ट लग रहे हो यार। स्मार्ट भी ठीक नहीं है। तो आज पूरा दिन दुकान में निकल गया,
पूरे दिन मैंने क्या क्या किया, कुछ नहीं किया, दुकान में बैठा हुआ था, पेशेंट आ रहे थे और मैं थोड़ा बहुत सीख रहा था पापा से, क्योंकि अभी मेरे को 3 दिन हुए हैं तो जाए हुए वहाँ पे, तो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, भले ही जो मर्जी पता हो पर चुप रहना चाहिए क्योंकि सामने तुम्हारे डैडी बैठे हैं, तो इसलिए कुछ नहीं बोला, देख रहा था मैं। और अभी आने से पहले पापा वहाँ पे सैंडविच खा रहे थे तो कहते मम्मी के लिए भी ले जा, और मैंने बोला मैं मम्मी के लिए सैंडविच अच्छे वाला लेके जाऊँगा, और आपने देखा ना कैसे बना रहा था, उसके बीच में संजय का फ़ोन आ गया, नहीं तो मैं दिखाता पूरा कैसे बना रहे थे सैंडविच, बहुत ही टेस्टी बनाया, इसमें मतलब भर भर की चीज़ें डाली हुई हैं। ये देखो सैंडविच, फुल चीज़ी सैंडविच, और ये हमारी प्यारी मम्मी, मेरी मम्मी से सुंदर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। चलो हाँ श्रीदेवी भी पीछे आपसे। चलो मम्मी क्या कर रहे थे आज पूरा दिन? बस बहुत खुश था। खुश क्यों, खुश क्यों थे आप? मेरे बेटा सैंडविच लेके आया मेरे, अच्छा आशा पूर्ण कर दिए। आपका खाने का मन कर रहा था पर मैं नहीं लेके आया, पापा को पता था, पापा कहते कि ले जा मम्मी के लिए सैंडविच, मैं लेके आया तभी। चलो आप खाओ, और बाकी अब इसके बाद हम बनाने जाएंगे रोटी, और रोटी के बाद थोड़ा मम्मी के साथ टॉक्स करेंगे, और टॉक्स के बाद सो जाएंगे। तो अभी मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ डिफरेंट करें, और अभी सोच रहा हूँ मैं रोटी बनाते हुए दिखाता हूँ मैं आपको कि लड़के भी गोल रोटी बना सकते हैं, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं गोल रोटी बना पाता हूँ कि नहीं। क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए रोटी बनाते हुए, जैसे कि मान लो 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो अच्छा ही बन रहा है रोटी। बाकी थोड़ा सा ये जो बेलनी है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, क्योंकि कैमरे के सामने बना रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा दिक्कत आए, बट देखो रोटी पूरी गोल बनी है, ये देखो रोटी पूरी गोल है। तो मानते हो कि लड़के भी रोटी गोल बना सकते हैं? ये चलो रोटी बनाते हैं, बाय बाय। तवा गर्म हो रहा है और इसी के साथ रोटी भी बन रही है, गोल रोटी देखो पूरा, ये थोड़ा सा हल्का सा गोल नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा कैमरे पे फोकस कर रहा था, बाकी मुझे अच्छा बनाना आता है यार, मुझे लगता है ऐसा। बाकी आप सारे बताओ कमेंट में। देख रहे हो रोटी पूरी गोल मटोल बन रही है, और जी साथ हमारी रोटी तैयार है, देखो रोटी। अब नेक्स्ट रोटी, और कुछ ऐसे ही आज का दिन पूरा हुआ, और मिलते हैं आपको कल सुबह दोबारा। लव यू ऑल, गुड नाइट, और बने रहिए ऐसे निपुण मंडल ब्लॉग्स के साथ। पता है थोड़ा बहुत घिसा पिटा चल रहा है, बट कोशिश करूँगा कंटेंट्स थोड़ा बढ़िया करूँ। बाकी लव यू ऑल।